हेलो दोस्तों, मैं संदीप लोयल आप सभी का लोयल क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। और फार्मासिस्ट भर्ती अपडेट के साथ आप सभी के बीच लगातार न्यूज़ थी, और जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन को लेकर नोटिफिकेशन भी आया था कि जिसमें फार्मासिस्ट के लिए जो है डी फार्मा की बजाय बी फार्मा को असेंशियल क्वालिफिकेशन माना गया था। और गजटेड नोटिफिकेशन जो था सरकार को, उसमें कहा गया था कि इवन जो अब तक एडमिशन जिन कैंडिडेट के हुए हैं उनको भी शामिल किया जाएगा डी फार्मा के आने वाले सभी वैकेंसीज में। उसके बाद जो एडमिशन है नोटिफिकेशन के बाद वो शामिल नहीं होंगे। अभी ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, इसके बारे में हम सब जान लेते हैं यहाँ से कि इसमें क्या बताया गया है। एक दोस्त ने हमारे साथ इसको शेयर किया, उसका थैंक यू, उसको धन्यवाद करते हैं कि इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, ज़रूरी हो कि सब तक टाइमली पहुँच जाए। प्रेक्षक, सचिव हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग सेवा में अतिरिक्त मुख्य सचिव हरियाणा सरकार स्वास्थ्य विभाग का नोटिफिकेशन है ये, और जो कि HSSC तक पहुँचा है। अब यहाँ पे विषय देखिएगा इसमें क्या लिखा गया है। औषधाकारों यानी फार्मासिस्ट के रिक्रूटमेंट रूल में मिनिमम क्वालिफिकेशन बी फार्मा प्रैक्टिस और फार्मा डी सम्मिलित करने बारे, यानी डी फार्मा को शामिल करने बारे। तो निर्देश हुआ है कि मैं आपका ध्यान आपके पत्र क्रमांक जो ये था दिनांक 26 अगस्त 2020 की ओर दिलाऊं तथा सूचित करूं कि उपरोक्त विषय के संदर्भ में आप द्वारा भेजे गए प्रस्ताव का निम्न शर्तों अनुसार हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा अनुमोदन कर दिया गया है। यानी अब आने वाली वैकेंसी जो है वो HSSC किस बिहाफ पे करने वाला है फार्मासिस्ट की। यदि सेवा नियमों में औषधाकारों की शैक्षणिक योग्यता बी फार्मा की जाती है तो संशोधन की तिथि तक जिन्होंने डी फार्मा का डिप्लोमा किया हुआ है औषधाकारक के पद के लिए मान्य होंगे। यानी अब जब फार्मासिस्ट के लिए जो है बी फार्मेसी कर दी गई है और ये संशोधन जब हुआ है उस डेट से पहले तक जिन्होंने डी फार्मेसी किया हुआ है वो फार्मासिस्ट के लिए एलिजिबल होंगे। और यहाँ पे लिख दिया कि द कैंडिडेट हु पास डिप्लोमा इन फार्मेसी और टेकन एडमिशन बिफोर द इशोन्स, ये देखो एडमिशन की बात भी उसमें कही गई है, टेकन द एडमिशन बिफोर द इशोन्स ऑफ दिस नोटिफिकेशन विल रिमेन एलिजिबल फॉर द पोस्ट ऑफ फार्मासिस्ट। तो बिल्कुल मैंने लास्ट टाइम भी वीडियो में कहा था कि चिंता की बात नहीं है, ये चीज़ें समय रहते आप सब ने इसके बारे में संज्ञान लिया और इसको ठीक करवा लिया है, क्योंकि एक बार नोटिफिकेशन आए फिर अमेंडमेंट होना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। और लेकिन अब सब सही है और ये सचिव हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से। तो अब आपका निश्चित ही डी फार्मेसी वाले जो एलिजिबल हैं 10 तारीख तक जो है करेक्शन की डेट आ गई है। अब उसके बाद हम उम्मीद करते हैं कि डेट आगे नहीं बढ़ेगी और HSSC जो है वो ग्रुप सी की जो 42,000 के करीबन वैकेंसी जो टोटल बताई गई हैं उनका जरूर एडवर्टाइजमेंट करने वाला होगा। और इतनी ज़्यादा वैकेंसीज फ्यूचर में नहीं आने वाली हैं कि अगर आप सब सोचें कि 92 लास्ट टाइम थी और अब 170 प्लस वैकेंसीज बताई जा रही हैं, तो अब समय है दोस्तों आप सबको बहुत अच्छे वाली मेहनत यहाँ पर करने का। तो क्योंकि उतना ज़्यादा अब बच्चे अवेयर भी नहीं थे इस बारे में कि CET भी ज़रूरी है, फिर CET क्वालिफाई भी नहीं हुआ होगा, तो बहुत इतना कंपटीशन नहीं है जितना कि एक ओपन वैकेंसीज के लिए होता है। तो अब समय है कि आप सब अपनी तैयारी को जोरों शोरों से शुरू कर दें और हम सब भी इसमें आप सबके लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और आप सभी को बहुत बेस्ट विशेज, हैप्पी होली, थैंक यू।